हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? स्वयं सक्सेना जी है। आज कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? 4 डेज हो चुके हैं। अभी कौन से रूट पे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं? लोहिया पथ पे, लोहिया वाला रूट जो है आपका, मधुरमा वाला, उस रूट पे कार को ड्राइव कर रहे हैं। अभी कौन से गियर में कार आपकी चल रही है? थर्ड गियर। अभी कहाँ कहाँ पे आपके प्रॉब्लम आ रही है? अभी मेरे को क्लच ब्रेक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गियर चेंज करने में। गियर चेंज करने में और क्लच में इनको प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि क्लच और गियर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे मैच होगा। स्टीयरिंग का और गियर का और क्लच का, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों का रिलेटेड है। बगैर क्लच के गियर नहीं लगेगा और स्पीड के हिसाब से स्टीयरिंग भी आपको संभालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंचे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस आप मेरी मिस कर जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियोस मिस कर जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एंड तक देखिएगा। बगैर टाइम गंवाएं वीडियो शूट के लिए बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है? अभी कौन से गियर में गाड़ी है? थर्ड गियर। ब्रेक पे पैर लेके आओ, ठीक है? स्पीड डाउन करो और स्टीयरिंग हाथ कहाँ होना चाहिए, कहाँ बताया मैंने? ये हाथ किस लिए होता है? लेफ्ट वाला। तो गियर पे आना चाहिए, गियर पे। अब आपको क्या करना है, पूरा क्लच दबाना है और इसको न्यूट्रल करो, लेफ्ट ला के सेकेंड गियर। भाई न्यूट्रल पे छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। ये हो गया। वापस क्या करना है आपको? क्लच को रिलीज कर दो और जाने दो। हाथ वापस कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? और हाथ ये छोड़ दो, दोनों हाथ डालो। ये इशारा रखना होता है डियर, ये आप लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना होता। स्टीयरिंग का जो सही तरीका होता है वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभालना होता है, ठीक है? इसमें जितना हार्डली पकड़ोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, और जितना स्मूथ पकड़ोगे, ये देख रहे हो, ये जितना हल्का पकड़ोगे उतना बहुत स्मूथ चलेगा। आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा डर रहता है तो उसको टाइट कर लेते हो, बाइक वाली हैवी आ जाती है जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है। तो ये जो इसका घूमने का प्रोसीजर है ये नहीं हो पाता है। अब इसको आप पकड़िए, मैं बताता हूँ आपको। और राइट वाला जो पैर है, देखो, फिर आपने इस पैर को हटा लिया वहाँ से। इस पैर को क्यों हटा रहे हैं आप बार बार, क्या दिक्कत है आपको, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? इस पैर को जब एक पैंडल पर आपको फिक्स करना, तो आप पैर क्यों हटा रहे हैं वहाँ से बार बार? वो हैबिट में नहीं आ रहा है। हैबिट में आना चाहिए ना, 4 डेज हो गए तो आना चाहिए। तो अभी जैसे आपकी गाड़ी जा रही है, अब राइट वाले पैर को आपको एक्सेलेटर पर ले जाना है। स्पीड मेंटेन करो। अब थर्ड गियर के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी? 30 थर्ड गियर की स्पीड होती है, ठीक है? अभी स्पीड मेंटेन करो, वापस ब्रेक पे पैर लेके आओ। स्टीयरिंग कहाँ बताया था पकड़ने के लिए? बीच में, ठीक है? और वापस क्लच दबा के थर्ड गियर डालो सेंटर में, और जब सेकंड गियर से इसको निकाला करो, उसके बाद ढीला कर दिया करो गियर को। जब थर्ड के लिए सेकंड गियर से निकाला करो, ढीला कर दिया करो, वो अपने आप थर्ड और फोर्थ के बीच में रुक जाता है। तो आपको कई बार क्या होता है, स्टूडेंट उसको टाइट करे रहता, पकड़े रहता, जिसकी वजह से वो फर्स्ट की डायरेक्शन या फिफ्थ की डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है? अभी आगे से हमें यू टर्न मारना है, गोल चौराहा जो आ रहा है सामने, वहाँ से हमें यू टर्न मारना है। यू टर्न के लिए क्या करेंगे, हम 100 मीटर पहले सिग्नल देंगे, सिग्नल दो राइट का, और सिग्नल के लिए देखना नहीं होता है, ठीक है? अगर आप छोटी सी चीज़ के लिए सिग्नल के लिए देखेंगे तो बाकी रोड का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? अभी आप ब्रेक पे पैर लेके आइए, वापस क्लच दबाइए, हाँ, न्यूट्रल, लेफ्ट ला के सेकेंड, वेरी गुड। वापस क्लच रिलीज करो, एक हाथ गियर पे ही रखो, ठीक है? एक हाथ, हाँ, और साइड मिरर में देखो, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, कि आपकी गाड़ी की सिचुएशन क्या है, आपके आगे पीछे कौन चल रहा है। अब हॉर्न मारो, लॉन्ग हॉर्न मारो, गाड़ी राइट रखो अपनी, ज़्यादा लेफ्ट राइट में गैप नहीं देना है, और क्लच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, हाँ, और यहाँ कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लेफ्ट रखो गाड़ी अपनी, लेफ्ट का सिग्नल दो, वापस शीशे में देखो लेफ्ट वाले, कि ताकि आपके लेफ्ट से, क्योंकि धीरे धीरे हमें लेफ्ट आना है, क्योंकि बीच रोड पे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि गाड़ी स्लो जब चलेगी 10 से 20 की स्पीड में, तो हम एक साइड में चलेंगे। अभी इस लाइन को आपको क्रॉस